हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 4 रंगा सियार पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी का सारांश पहले मैं आपको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आपको मैं समझा देती हूँ, फिर मैं इसको पाठ को पढ़ूंगी और उसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। ठीक है, पहले आप हम इसका सारांश समझ लेते हैं किस कहानी में आखिर है क्या। ठीक है, मूल भाव जो होता है ना बेटा, उसको भी हम सारांश कहते हैं। ठीक है, किसी भी कहानी का विस्तार पूर्वक ना समझकर हम उसको उसके सूक्ष्म रूप में, उसके लघु रूप में समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सारांश कहते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है इसमें एक सियार होता है। ठीक है, वो एक नीले रंग में रंग गया होता है। उसे देखकर जो सारे जंगल के जानवर होते हैं वो बहुत डर जाते हैं और उसे जंगल का राजा बना देते हैं। अब सियार क्या करता है, सियार तो जंगल का राजा बन जाता है, इसलिए उसको अपने ऊपर खूब घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो जंगल का राजा बन गया हूँ, अब तो मैं जो कहूँगा वही सब लोग मानेंगे। उसके मन में इस तरह की भावना आ जाती है और वो मस्ती करने लगता है। एक रात जंगल में गाने बजाने का कार्यक्रम हो रहा था, तभी नीला सियार दूसरे सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ सुनकर वो भी हुआ हुआ करने लगा। तब क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के जो जानवर होते हैं वो जान जाते हैं कि ये कोई अनोखा जानवर नहीं बल्कि ये सियार है। सभी जानवरों ने उसको खूब फटकारा और जंगल से भी बाहर कर दिया। ठीक है, इसमें इसलिए हम झूठ के लिए कभी अधिक समय तक नहीं टिकता। जब कोई भी अगर हम झूठ बोल के कोई भी काम करते हैं तो उसकी सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए इस कहानी में है कि झूठ और जो दिखावा होता है ना बेटा, वो अधिक समय तक नहीं टिकता है। तो चलो हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, रंगा सियार शिक्षा की एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक सियार था, उसे एक दिन जंगल में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। सियार को बहुत भूख लगी थी। वह जब भोजन की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक शहर में पहुंच गया। वहां गली में घूमते हुए कुत्तों ने सियार को देखा और वे सियार के पीछे पड़ गए। सियार भागते भागते थक गया। उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वह कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए उस घर के नीले रंग से भरे एक ड्रम में कूद गया। कुत्तों ने सियार को इधर उधर ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। कुत्ते हार कर वहां से चले गए। कुत्ते के जाने के बाद सियार चुपके से ड्रम से निकलकर जंगल की तरफ भागा। जंगल के जानवरों ने नीले रंग में रंगे सियार को देखा और वे अचंभे में पड़ गए। उन्हें लगा कि इस नीले रंग के अनोखे जानवर के पास जरूर कोई शक्ति है, तभी इसका रंग नीला है। सियार चालाक था, वह समझ गया कि सभी जानवर उससे डर रहे हैं। उसने रोब जमाते हुए कहा, मैं नीलांबर हूँ, मुझे आसमान से तुम्हारा राजा बनाकर भेजा गया है। सभी जानवरों ने उसकी बात मान ली और उसे जंगल का राजा बना दिया। अब तो सियार फूला ना समाया, तभी जानवर उसके हुक्म का पालन करने लगे और सियार खूब मस्ती से रहने लगा। ठीक है, एक रात जंगल में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था, तभी नीले सियार ने दूसरे सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वह अपने आप को रोक ना सका और वह भी हुआ हुआ करने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने हुआ हुआ करने की आवाज़ सुनी तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया कि यह अनोखा जानवर कोई और नहीं बल्कि सियार है। सभी जानवरों ने उसे खूब फटकारा और जंगल से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और दिखावा जो होता है ना, वो अधिक समय तक नहीं टिकता है। ठीक है बेटा, चलो ओके बाय।